राज जय भोलेनाथ दोस्तों, 3:31 और दिवाली के पहले दिन मार्केट में एक धमाकेदार सेलिंग आ गई। सुबह जरूर 100 पॉइंट जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था तेज हुआ था, लेकिन इट डिड नॉट सस्टेन। 15:31 यानी कि 3:31, और जैसा कि कल दिवाली है और कल मुहूर्त ट्रेडिंग आप लोगों के लिए 6:15 से 7:15। तो चलिए आज आपको ये जरूर बता देते कि कल अगले वीक जो 11 तारीख की एक्सपायरी होगी उसके टारगेट्स क्या आते हैं, और वो कंफर्म लगभग रहेंगे, फिर भी डिस्क्लेमर आप जरूर पढ़ लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको इंडिया विक्स दिखाना चाहता हूँ। चलिए इसको मैं अपडेट भी कर लेता हूँ बार। तो इंडिया विक्स जब मार्केट गिरता है तो इंडिया विक्स को स्वाभाविकली बढ़ना चाहिए। इंडिया विक्स को जो निफ्टी का विक्स है, ठीक है, उसको बढ़ना चाहिए, लेकिन वो विक्स गिरा है, 6% गिरा है, लगभग 5.5% गिरा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मार्केट में फियर नहीं है, पीपल आर रेडी टू बाय एट द करंट लेवल्स। तो इसका मतलब क्या होगा, कल एक बड़ी तेजी के साथ 100 या 150 पॉइंट की तेजी के साथ निफ्टी की ओपनिंग होगी एक घंटे वाले मुहूर्त ट्रेडिंग डेज में, 100 से 150 पॉइंट ऊपर, क्योंकि ये इंडिया विक्स बढ़ना चाहिए था। मैं इसी का चार्ट आपको और एक दिखा देता हूँ। आज भी सुबह तेजी क्यों खुला वो भी बताता हूँ। इंडिया विक्स मनी कंट्रोल, फिर मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, ये सब आपकी नॉलेज ही बढ़ा रहे हैं। मेरा 16,500 तो लगता है मेरे को स्टॉक ये यूट्यूब छुड़ा देगा, तो कितने लोगों को खुशी भी हो जाएगी, है ना, अच्छी भी बात है। देखो जिसकी टैलेंट नहीं उसको काय को यूट्यूब में आने का, यार है कि नहीं। तो ये देखिए इंडिया विक्स का चार्ट है, मैं थोड़ा सा इसका डाटा आपको 5 डे का दिखा देता हूँ। 5 दिन में क्या हुआ, ये इंडिया विक्स नीचे क्यों आ रहा है भाई, आप देखो, मैं यहाँ आपको 2 नवंबर भी दिखा दिया, ठीक है, 2 नवंबर को भी नीचे आया था और 3 नवंबर को भी नीचे आया, और जबकि फियर बढ़ता है तो इसको इस तरह से ऊपर जाना चाहिए, समझ में। तो इसका मतलब ये नकली फियर क्रिएट किया गया मार्केट में, इंडिया विक्स इज नॉट सपोर्टिंग दिस फॉल, ठीक है। इंडिया विक्स को क्या बोलते हैं, फियर इंडेक्स। व्हेन द वोलेटिलिटी राइजेस द फियर इंडेक्स शुड राइज, बट इट इज फॉलिंग इन स्पाइट ऑफ सच ए ह्यूज वोलेटिलिटी टूडे। तो कल एक बड़ी तेजी हो सकती है, लेकिन कल एक घंटे का सेशन है इसीलिए मंडे को ही होगी जो बड़ी तेजी। अब आ जाइए दूसरा सेक्शन, PCR 0.7679 लास्ट में हो गया, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी है, तो कल जो भी आएगा PCR वो नया आएगा निफ्टी का, और कल का तो कोई मतलब भी नहीं है, मंडे को ही आपको PCR देखना पड़ेगा क्योंकि कल भी एक घंटे का मुहूर्त ट्रेडिंग है, तो वो भी इतना मायने नहीं रखेगा, लेकिन शायद सुबह PCR तो आ ही जाना चाहिए वेबसाइट्स में, फिर भी आज का 0.79 है, तो ये कितना बड़ा ओवरसोल्ड है ये आपको पता चल गया, यहाँ से गिरने का सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन ये आज का है, हो सकता है नई सीरीज में 0.90 खुले, ठीक है। तो बहुत लोगों को लगा अब भाई तब तो ठोको, है कि नहीं। आ जाइए चार्ट से समझाता हूँ। तो अगले वीक का पहले तो मैं टारगेट्स लिख देता हूँ आपको, 11 तारीख को जो एक्सपायरी है उसके टारगेट्स है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आएंगे, ये आप लोग ज़रूर अपने अपने घर पर रखिएगा। 11 नवंबर एक्सपायरी टारगेट्स मैंने अपने पर्सनल ग्रुप में तो ये भी लिखा कि ये गारंटीड आएंगे, लेकिन यहाँ यूट्यूब है भाई, यहाँ गारंटीड नहीं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो 18,220 निफ्टी का है टारगेट और 40,800
बैंक निफ्टी का टारगेट है टिल 11th नवंबर एक्सपायरी। ये दोनों लेवल्स फ्यूचर्स के, बोथ द लेवल्स आर ऑफ फ्यूचर्स सेगमेंट। नॉट कैश, तो बस इसी हिसाब से आप थोड़ा एडजस्टमेंट कर लीजिएगा कैश वाले में, मतलब स्पॉट वाले लेवल्स में। ये मैं मेरे ग्रुप में तो ये भी लिखा हूँ कि ये गारंटीड आएंगे नेक्स्ट वीक में ये लेवल्स, ठीक है। तो अब ये हो गया, ये भी एक काम हो गया, इसकी फ़ोटो भी उतार लीजिएगा। तो ये बस दिवाली है इसलिए आपको गिफ्ट दे रहा हूँ, वरना मेरी तो कोई औकात भी नहीं है, 16500 नहीं आएगा तो कहाँ से आएंगे, ठीक है। तो ये भी है, अब आ जाते हैं दूसरा चार्ट पे चर्चा कर लेते फटाफट आज क्या हुआ। देखिए कितना अपने को किसी का वेट थोड़ी करना है। अब आज क्या हुआ, पिछले दो दिन से हायर हाई एंड हायर लो बनाए, आज लोअर हाई एंड लोअर लो बनाए। पिछले दो दिन से हायर हाई एंड हायर लो बना रहा था निफ्टी, आज लोअर हाई एंड लोअर लो बनाया। दूसरा 847 के नीचे क्लोज किया है, क्लोजिंग भी आ गई होगी, एक सेकंड क्लोजिंग देख लेता हूँ कितनी आई है, 829 की आई है, कोई ख़राब नहीं है क्योंकि यू नीड टू क्लोजिंग्स। तो अब आप देखो जो फ्राइडे का लो था 613, उससे हम आप आज भी टेक्निकली अगर हम देखें तो उससे आज भी हम कितने ऊपर है, 216 पॉइंट ऊपर है। इतनी वॉलेटिलिटी देखने के बावजूद हम उस लो से 216 पॉइंट, यानी कि फ्राइडे का लो तो कंफर्म लो बन गया, ठीक है। तो मार्केट का एक टारगेट मार्केट ने पूरा कर दिया 17992, क्योंकि 38.2% तो रिट्रेस हो गया, लेकिन उसके ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा है। तो हम अगले टारगेट की बात कैसे करें जो कि 225 आता है, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है जो PCR है, जो मार्केट में नौटंकी हुई है, और जो विक्स ने आज दो दिन से, दोनों दिन से विक्स गिरा है, यस्टरडे ऑल्सो विक्स फॉलन, इंडिया विक्स फॉलन, टुडे ऑल्सो। चले हम NSE की वेबसाइट में इंडिया विक्स का प्राइस भी देख लेते हैं, दिखता होगा शायद। इन्वेस्टिंग में दिखता है क्या, शायद आता होगा, देखते हैं। तो ये देखिए इंडिया विक्स का एग्जैक्ट लेवल्स आ रहे हैं, तो मैं एक तारीख से दिखाता हूँ आपको। एक तारीख को इंडिया विक्स का हाई था 18.09, ठीक है। 29 तारीख को इंडिया विक्स था 17.42 क्लोजिंग, ठीक है। 29 तारीख को जब फ्राइडे को वो जो मार पड़ी थी 613 का लो बना, उसके बाद 17.23 की लोवेस्ट लोअर क्लोजिंग दी, उसके बाद यस्टरडे 17.6 की फिर से नई लोअर क्लोजिंग, और आज की क्लोजिंग तो और भी नीचे आ गई। तो इंडिया विक्स तो घटना चाहिए, बढ़ना चाहिए, लेकिन ये घटा है। यानी कि ये जो तीनों दिन है मार्केट में जबरदस्त किसी बड़े ग्रुप ने बाइंग की है, तो वो मुझे तो लगता है, मैंने 225 जो टारगेट दिया वो मिनिमम दिया है, ठीक है। मुझे तो लगता है 11 तारीख तक ही 18350 भी लाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जब उसके पहले मार्केट गिर रहा था तो इंडिया विक्स 1675 1682 1791 बढ़ रहा था कि नहीं, लेकिन 29 तारीख को बुरी गिरावट हुई, बुरी तरह गिरावट हुई, उसके बावजूद वो घटा, इसीलिए एक तारीख को गैप अप ओपनिंग हुई, ठीक है। और कल भी जब घटा तो आज एक गैप अप ओपनिंग हुई थी, टिका नहीं, लेकिन आज भी घटा, यानी कि कल भी गैप अप ओपनिंग होगी। ये थोड़ी सी टेक्निक्स आपको सिखा रहा हूँ, देख लीजिएगा कभी काम आएगी। इंडिया विक्स अब चार्ट में देखिए,
मार्केट ने एक दायरा बना लिया, ये दायरे का ऊपर का लेवल हो गया 18,012, आज भी 988 गया था, तो 18,012 अब मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस हो गया, जो कि कहीं ना कहीं आपका 7992 आपका 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल है। लेकिन अब 10 EMA और 20 EMA की वैल्यू काफ़ी क्लोज आ गई है, ये ध्यान दीजिएगा, काफ़ी क्लोज आ गई है, लेकिन अभी भी 10 EMA की वैल्यू ऊपर है। इतनी बड़ी फॉल आने के बावजूद स्टिल द वैल्यू ऑफ 10 EMA इज़ अबव 20 EMA एंड 20 EMA वैल्यू इज़ अबव 50 EMA एंड 50 EMA वैल्यू इज़ अबव 100 EMA। दैट मीन्स निफ्टी इज अ बाय। इतनी बड़ी फॉल आने के बावजूद आज की डेट में भी 10 EMA की वैल्यू जो है वो 20 से ऊपर है, ठीक है, और 20 की वैल्यू जो है वो 50 से ऊपर है, 50 की जो वैल्यू है वो 100 से ऊपर है, और 100 की वैल्यू जो है वो 200 से ऊपर है। तो ये तो क्लियर कट बाइंग की चीज़ है निफ्टी, इसमें कहीं भी सेलिंग बनती नहीं है, तो इसको रुकावट कहाँ आएगी, नेक्स्ट वीक में रुकावट कहाँ आएगी, ये इसका बड़ा रुकावट का काम करेगा। ये जो टॉप है यहाँ तक तो इसको आना ही आना है, 342 तक इसका बड़ा रुकावट है, लेकिन मैंने टारगेट आपको 225 का दिया, आपको लिखा हुआ दिखा भी दिया, सेव है अभी भी, ये रहा, इसको मैं भी सेव कर लेता हूँ, ठीक है, ये मेरा मिनिमम टारगेट है, मिनिमम, ठीक है, इतना तो घटिया से घटिया मार्केट रहा तो भी आएगा ये टारगेट। तो ये जो इसका बड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा 342, बस इतनी दौड़, इसके ऊपर अगर दौड़ गया निफ्टी तो भैया 600 वैसे सब तोड़ देगा वो, ठीक है, तो 342 मुझे मैक्स दिखता है, लेकिन मैंने टारगेट अपने दे दिए, उतना तो कम से कम आएगा। अब नीचे में क्या ख़राब करेगा इसको, अगर किसी भी कारण से इस वाले जो मंडे का लो है, ठीक है, उसको आप देख लीजिए, 697 के नीचे अगर क्लोजिंग आ गई तो सब कुछ फेल है, ऑल रॉन्ग, ठीक है, 697 स्पॉट की लेवल से, ये फ्यूचर की नहीं है। तो ये हो गया निफ्टी का पोस्टमार्टम या जो भी समझ लीजिए, लेकिन अगले वीक बड़ी तेज़ी है, ये कंफर्म है, भले ही PCR कल नया आएगा, नो डाउट, और ये फैड वैड में क्या होता है उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, बाढ़ में गया फैड। अब आ जाइए बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी भी दो दिन से हायर हाई एंड हायर। तो अब आप देखो अभी तक बैंक निफ्टी भी स्ट्रांग क्यों है, क्योंकि ये जो हैमर बनाया था इसकी क्लोजिंग थी 39,115, आज इतना गिरावट के बावजूद 39,402 पे क्लोज किया, और ये तब तक ख़राब नहीं होगा जब तक ये मंडे का लो 120 के नीचे क्लोज नहीं करे, तब तक बैंक निफ्टी इज़ ए बाय ऑन एवरी फॉल। तो मिनिमम टारगेट इसका आ रहा है ये 40,710 स्पॉट, यानी कि फ्यूचर में 800 आ जाएगा, फ्यूचर में 800 आ जाएगा, ठीक है, यही मैं आपको दिया हूँ। तो कोई भी इसमें भी वीकनेस नहीं दिख रही है, मुझे नहीं दिख रही है। अब इसके भी 10-20 का पोस्टमार्टम कर लेते हैं हम लोग, तो इसमें भी आप देखिए कहाँ से वीकनेस आप बोल रहे हो, कौन सी लैंग्वेज आपको सिखा रही है, 10 EMA इज अबव 20 EMA, 20 EMA वैल्यू इज अबव 50 EMA, 50 EMA वैल्यू इज अबव 100 EMA एंड 100 EMA वैल्यू इज अबव, तो दोनों क्लियर कट बाई है। और भले ही मैं 16,500 वाले मामले में रॉन्ग हो जाऊं और मैं यूट्यूब में नहीं आ सकूं, तो ये तेज़ी तो इतनी बड़ी भी तेज़ी हो सकती है कि 19 तक भी ले जाए, लेकिन सबसे बड़ा आएगा 18,400, एक बड़ी रिकावट आएगी, 18,400 मेक और ब्रेक रहेगा। अगर 18,400 के आसपास जाके मार्केट धनाधन देता है तो 16,500 इसी महीना
आएगा ही आएगा, ठीक है। तो मैं रॉन्ग होऊंगा या राइट होऊंगा ये सिर्फ भोलेनाथ फैसला करेगा। अगर मैं रॉन्ग होता हूँ तो यूट्यूब में आने का मुझे कोई हक ही नहीं है, मेरा मानना है, किसी और ने नहीं बोला, ये मेरा मानना है। तो मैं साफ सुथरा सब में बोल रहा हूँ, लेकिन आप लोग मरो नहीं, कोई शॉट के चक्कर में मत बैठना। अगले वीक के टारगेट्स यही है, ये आएंगे। जैसा मैंने आपको फ्राइडे को भी बोला कि 200 से 300 पॉइंट की तेजी आएगी कंफर्म, तो अगले दिन 300 पॉइंट भागा निफ्टी मंडे को, आपको याद हो गया होगा। तो मैं यहाँ इसलिए आ रहा हूँ ताकि कोई भी गलत कदम नहीं ले लो आप। तो ये टारगेट्स मैंने तो अपने ग्रुप में तो ये लिखा कि ये गारंटीड आई आएंगे, ठीक है। अब कल दिवाली में क्या हंगामा करता है ये मार्केट जानता है। बस लाइक्स के बटन दबा दीजिएगा, जब तक अपन जिंदा है तब तक दबा दीजिए। आने का और नहीं आने का तो भोलेनाथ ऊपर वाला जानता है कि ये शिद्दत से काम, तो आना तो चाहिए निफ्टी को 16500 भी, 16 भी आना चाहिए इसी महीने, लेकिन पहले ये रंग जरूर दिखाएगा। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ।